बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम अला नबी उम्मी व अला आलिही व असहाबिही। जी, जॉब्स मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान से अच्छी और सेलेक्टेड जॉब्स आप तक पहुँचाई जाएँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मैं आपको आज की जॉब्स की तरफ ले चलता हूँ। मैं इंडीड के प्लेटफॉर्म पे हूँ और जिस जॉब के हवाले से बात करूँगा, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स ने जॉब की अनाउंसमेंट की है। ऑफिसर सस्टेनेबिलिटी, ऑफिसर की नीड है इनको। जॉब डिटेल्स में मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जॉब डिटेल्स हैं। 40,000 इनकी पर मंथ सैलरी पैकेज है, ठीक है जी। और इसके बाद क्वालिफिकेशंस ये मांगते हैं, बैचलर्स प्रेफर्ड या कंप्लाइंस, एक वन ईयर का आपका होना चाहिए, ठीक है, कंप्लाइंस में, और बैचलर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। कंप्लाइंस में आपका एक साल का तकरीबन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊँ आपको कि आप अपनी पहले सबसे पहले अपनी सीवी जो है आपका रिज्यूम बना हुआ, सीवी बनाई हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। 03092183361 जो है, इंशाल्लाह मैं इसका लिंक आपको लाजमी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अप्लाई करने का तरीका भी उसमें होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 40,000 इनकी सैलरी इन्होंने जो है पैकेज रखा है। और तकरीबन कंप्लाइंस का मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस कंप्लाइंस का आपका होना चाहिए, एक साल का प्रेफर्ड एक्सपीरियंस है, और बैचलर्स आपकी इनकी एजुकेशन की प्रेफरेंस है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज की ये जॉब आपको गुल अहमद के हवाले से पसंद आई होगी। सेलेक्टेड जॉब है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर किसी का एक्सपीरियंस है और बेहतर आपसे बेहतर हैं, और आप मतलब ये कि आप किसी आपके रिलेटिव में या जानने वालों में कोई ऐसे हैं जो इस जॉब से को मतलब सूट करता हो, सूटेबल हो इस जॉब उनके लिए, तो आप लाजमी उनके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़, और जो है अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।